चुनावी मैदान में अब सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां निकाल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री अब एक बार फिर कल उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। वहीं विपक्षी दल भी विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। राजधानी देहरादून में आज यूथ कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता विकास नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आगमन पर प्रधानमंत्री का विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2014 लोकसभा चुनाव और 2017 विधानसभा चुनाव में युवाओं से कई वादे किए गए थे जो मात्र जुमले बनकर रह गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। सरकार द्वारा युवाओं को छलने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश में मैं भी बेरोजगार मुहिम के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सभी जिलों में पकौड़े तलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष विक्रम रावत जी, प्रदेश महासचिव सोनू हसन, अनुज जी और हमारे युवा साथी हैं, तो इसमें कार्यालय प्रभारी भी हमारे सोनू हसन जी, तो पूरे प्रदेश में एक विरोध प्रदर्शन रहेगा, पकौड़े तलने का प्रोग्राम रहेगा और डिग्री धारकों द्वारा अपनी अपनी डिग्रियों में लिखा जाएगा मैं भी बेरोजगार, तू भी बेरोजगार और मैं भी बेरोजगार। युवाओं द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, यूथ और युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। पूर्व में 14 फरवरी को मोदी जी आए थे, तब भी आपने विरोध काले झंडे दिखाने का काम किया, तैयारी की थी, लेकिन सूर्य तो हो नहीं पाया कि मौके पहुँच नहीं पाए हो, तो क्या इस तरीके से योजना बनाई है आपके द्वारा? नहीं, हमारे मुख्यालय में विरोध हो, काले झंडे का विरोध नहीं, सांकेतिक विरोध है हमारा। हम अपनी बात एक लोकतंत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे और जो उनकी बात है उसी बात को हम विपरीत दिशा में, जो युवाओं के और जो युवाओं के साथ उन्होंने छलने का और झूठ बोलने का काम किया, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को उन्होंने पकौड़े तलने के लिए और चाय बेचने के लिए कहा है डिग्री धारकों को, उस पर हम विरोध। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट।